Hello my dear lovely students, welcome back to your English class video. Students, because of some technical problems I was not able to take your class. बच्चों, मेरे फ़ोन में Zoom app properly काम नहीं कर रहा था, बहुत technical problem हो रही थी, इस वजह से मैं आपकी आज की class नहीं ले पाई हूँ. But ये video आज की class का मैं आपको send कर रही हूँ. Okay, so please watch it carefully. अब please ध्यान से ये video को देखिए. So today we are going to start our third lesson. आज हम हमारी क्लास में हमारा थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे. See what is the third lesson? What is the name of the lesson? Toothpaste and the tube. Now what is the name of the lesson? Lesson का name क्या है हमारा? Toothpaste and tube. Students, I think you know what do you mean by toothpaste. मुझे पता है students, आपको पता है toothpaste का मतलब क्या होता है. Toothpaste जिससे आप morning में brushing करते हो. And tube वो ट्यूब होती है जिसके अंदर आपका पेस्ट होता है ना. तो इस टूथपेस्ट एंड ट्यूब की स्टोरी आज हम लर्न करेंगे. सो कम लेट्स स्टार्ट. रीड अ स्टोरी अबाउट हाउ द टूथपेस्ट गेट्स इनटू अ ट्यूब. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी ऑफ टूथपेस्ट. मीन्स हम आज की स्टोरी रीड करेंगे कि कैसे टूथपेस्ट ट्यूब के अंदर गया है. मीन्स इसकी स्टोरी क्या है टूथपेस्ट की और ट्यूब की. इट वॉज द मॉर्निंग एट 1870 इन न्यू लंडन कनेटिकट यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ व्हाट इज गिवन हियर. इट वॉज द मॉर्निंग टाइम. मीन्स इन मॉर्निंग यू डू द ब्रशिंग. मॉर्निंग टाइम में आप लोग ब्रशिंग करते हो है ना. तो ये कौन सा टाइम है 1870 मतलब बहुत पहले का टाइम है. और कहाँ न्यू लंडन. विच कंट्री लंडन. राइट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. चिल्ड्रन वेर ट्रम्बलिंग आउट ऑफ बेड. देयर मदर हरिंग देम टू क्लीन देयर टीथ हैंडिंग देम टूथस्टिक एंड जार्स ऑफ टूथपेस्ट. नाउ चिल्ड्रंस वेर टम्बलिंग. नाउ चिल्ड्रंस वेर टम्बलिंग मीन्स चिल्ड्रंस वैन यू स्लीप ऑन बेड. जब आप बेड पर सोते हो तो आप टम्बलिंग करते हो ना. टम्बलिंग मीन्स मूविंग वन साइड एंड मूविंग अनदर साइड. मीन्स आप एक साइड टर्न करते हो फिर उसके बाद दूसरे साइड पर टर्न करते हो तो वो टर्न करने को हम बोलते हैं टम्बलिंग. ओके. एंड देयर मदर आर हरिंग देम टू क्लीन देयर टीथ. जैसे आपकी मम्मा बोलती है ना आपको उठने के बाद कि चलो ब्रश करो ब्रश योर टीथ. इन सेम दैट वे देयर मदर आर हैंडलिंग दैट टूथब्रश. मीन्स मम्मी हाथों में टूथब्रश लेके उनको बच्चों को ये बोल रही है टू क्लीन योर टीथ. मीन्स टू ब्रश योर टीथ हैंडिंग देम टूथस्टिक एंड जार्स ऑफ टूथपेस्ट. नाउ हैंडलिंग द टूथस्टिक. टूथस्टिक मीन्स जो टूथ की स्टिक. पहले टूथब्रश नहीं होता था स्टिक होती थी. स्टिक मतलब लकड़ी. ओके. तो टूथस्टिक को हाथ में पकड़ के और जार्स ऑफ टूथपेस्ट. जार्स मीन्स टाइप का कड़ले टूथपेस्ट का ट्यूब नहीं होता था. सिर्फ स्टिक यानी कि लकड़ी से वो लोग ब्रशिंग करते थे और जार्स में टूथपेस्ट रखते थे. ठीक है. तो जार्स में मतलब एक कंटेनर में एक बर्तन में तो टूथपेस्ट रहता था. तो मम्मी टूथस्टिक हाथ में लेती थी और जार यानी कि बर्तन देती थी टूथपेस्ट का. व्हाट डिड आई जस्ट से टूथस्टिक. यस. जैसे कि मैंने आपको पहले बताई हूँ पहले के ज़माने में टूथब्रश नहीं हुआ करते थे तो मम्मी टूथस्टिक लेके बच्चों को टूथ क्लीन करवाती थी. ओके. ब्रशिंग करवाती थी. नाउ टर्न द पेज. That is right. They used toothstick to clean their teeth back then. A toothstick was simply a twig. Now what is given here? यहाँ क्या दिया हुआ है? That is right. Means they used toothstick. Means पहले के time में brushes नहीं होता था. ऐसी stick होती थी है ना. वो stick पे वो लोग क्या लगाते थे? वो टूथस्टिक पे ट्विग लगाते थे. ट्विग व्हाट इज ट्विग. अ स्मॉल थिन ब्रांच मतलब एक छोटी सी पतली सी ब्रांच उसको लगाते थे. सम लकी पीपल हैड ट्विग विद बोर हेयर टाइड टू वन एंड फॉर दैट एक्स्ट्रा शाइन.
नाउ फॉर सम एक्स्ट्रा शाइन, मतलब एक्स्ट्रा शाइन के लिए कुछ पीपल क्या करते थे, दे हैड ट्विग्स विथ बोर हेयर टाइड, मतलब बोर हेयर से बंधा हुआ कुछ पीपल के पास, कुछ लोगों के पास ट्विग था, ठीक है। अब ये किस लिए करते थे, वो एक्स्ट्रा शाइन के लिए, अंडरस्टूड। जार्स ऑफ टूथपेस्ट वेयर यूज बिकॉज टूथपेस्ट ट्यूब्स वेयर नॉट इन्वेंटेड, एज आई सेड यू बिफोर, जैसे मैंने आपको पहले बोली हूँ, जार्स यानी कि कंटेनर जिसको हम बर्तन बोलते हैं, कंटेनर बर्तन, पहले ट्यूब इन्वेंट नहीं हुई थी इसलिए वो लोग बर्तन में पेस्ट को रखते थे। स्टूडेंट्स आई विल स्टॉप हियर टुडे, इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू द रिमेनिंग लेसन, आज मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट की क्लास में मैं आपको बाकी का लेसन कंटिन्यू एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके।